नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में हूं राकेश। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में लोक जनशक्ति पार्टी का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस के मौके पर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी मौजूद रहे और हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये भी कहा कि आने वाले समय में कार्यकर्तागण चुनाव के लिए तैयार रहे। इसी के साथ साथ उन्होंने एनडीए में शामिल तमाम दलों की सराहना की। बीजेपी के साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यकाल की भी सराहना की और ये भी कहा कि आने वाले समय में देश की सियासत में लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी बड़ी भूमिका निभाए। इसी के साथ साथ इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके पार्टी के ऊपर, उनके पार्टी के नेता के ऊपर अब तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप न लगा। इसके साथ ही चिराग पासवान इस मौके पर थोड़ा सा भावनात्मक रूप से भी देखा गया, इसी के साथ साथ थोड़ा सा वो भावुक भी हो गए। इस दौरान चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। जितने भी ऐसे कार्यक्रम होते थे तो उसमें तो श्रद्धा जाती थी कि अब हम चंद्र चाली जी बोलने जा रहे हैं तब तो पार्टी का पूरा समय है, वही ले लेंगे, वही बोलते रहेंगे। पर आज उनकी वही खामोशी हम लोगों को कर रही है। बट बेटा, इतना मैं जरूर मानता हूँ कि वो जहाँ पे भी लोग हैं उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है, खुश होंगे। और क्या पार्टी का भव्य कार्यक्रम कर रही है, पार्टी और मजबूती की तरफ जा रही है, नहीं ऊंचाई होने जा रही है। फिर से देखकर बहुत खुश हो गए कि उनका बेटा उनके दर्शन करने पर इतनी खूबसूरती से आगे हो रहा है। ये हम सबके लिए गर्व की बात होना था। बहरहाल आज उनको याद करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि वो जहां भी हो खुश हो और अपना आशीर्वाद इसी तरीके से हम सब पर बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से हम सब और आगे बढ़े और बढ़े और बढ़े प्रिंस और आगे बढ़े, हमारी पार्टी, हमारे तमाम सांसद और मजबूती से आगे बढ़े, हमारे तमाम विधायक और ज्यादा इस बार 2020 के जो चुनाव होंगे और मजबूत संख्या में हमारे विधायक यहाँ पर जीत कर आए। और अंत में साथियों, आप सबका मैं धन्यवाद करूंगा कि आप सब ने जो एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, इसके पूर्व में पिताजी का जो अध्यक्ष काल रहा है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। अगर मुझे उस सारे काल का अगर 10% में मैं बन जाऊं तो मैं अपने आप को मैं सफल मानूंगा। पर हाँ, इतना विश्वास जरूर देता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा उससे ज्यादा मैं मेहनत करूंगा। आप अगर एक कदम चलेंगे तो मैं 10 कदम चलने को तैयार हूं। पर हाँ, हम सबका लक्ष्य एक ही है, पार्टी से ऊपर कोई नहीं, पार्टी को मजबूत करना है। हमारे पार्टी के नेता हमारे जिस तरीके से उन्होंने अपनी जाति से आने वाले कई लोगों को, इसीलिए साथियों ये आगे आगे ले आया हूं आप लोगों से कि हम लोगों ने निरंतर जात पात धर्म मजहब से उठकर समाज के हर बच्चे वर्ग के लिए लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने काम किया। और हम लोगों का लक्ष्य है कि आज भी आजादी के 70 साल के बाद भी जो लोग मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना। ईमानदारी से अगर हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है तो वो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और हकीकत में माननीय साथियों की इस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक इस अमीरी गरीबी की खाई को नहीं भरा जाएगा, जब तक इस दूरी को नहीं काटा जाएगा तो सामाजिक समानता लाने का हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसको हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। और उसी के लिए साथियों मैं आगे आकर
उन सबका मैं धन्यवाद करूंगा। यहाँ पर मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक हम सब के नेता मेरे पिताजी परम आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिनके आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ पर मौजूद और पार्टी के लिए खुशी से अपना विश्वास स्थापना दिवस मना रही है। वहीं पर मौजूद मेरे व्यवसाय से जुड़े हो उनको सही बारे में सुने जाए, इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि एक ऐसी नोडल एजेंसी का गठन किया जाए जहां पर हमारे युवा अपनी समस्याओं को लेकर जाए और समाधान लेकर आए। जिस तरीके से देश में बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, उसी की तर्ज पर हम लोग मांग करते हैं कि देश में एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाए, एक नेशनल यूथ कमीशन का गठन किया जाए। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लिखित रूप में भी और कई बार संसद में भी मैंने इस विषय को उठाया है और मैं चाहता हूँ कि मजबूती से आप सबका साथ मिले ताकि देश के हर एक कोने से राष्ट्रीय युवा आयोग की बात। उसी क्रम में हम लोग चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जो है उसको भी जल्द से जल्द पारित किया जाए। आधी आबादी है महिलाओं की, मैं चाहता हूँ कि उनको भी सम्मानजनक उनका भी प्रतिनिधित्व भारत की संसद में होना चाहिए। आज की तारीख में खुशी की बात है कि कई हमारी महिला सांसद है जो अपनी काबिलियत जो अपनी मेहनत पर चुन कर आई है। हम लोग चाहते हैं कि इस विधेयक के माध्यम से उनको भी वही सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिले जो कि बाकी वर्गों को मिलता है। आज ये हमारी का प्रतिनिधित्व महिला भी करती है। इसी क्रम में हम लोग चाहते हैं इंडियन जुडिशियल सर्विस, आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से न्याय प्रणाली में एक कॉलिजन सिस्टम बना हुआ और यह सब आप लोगों को जानने की जरूरत है, एक कॉलिजन सिस्टम वहां पर बना हुआ और उसी के तहत जजों की नियुक्तियां वहां पर होती है। इसी ठीक है, इसलिए जैसे ही आप घंटी मारेंगे तो फोन कट जाएगा। घंटी बजी कट गया और उसके तुरंत बाद ही ये कॉल बैक आएगा। ये नंबर जो फोन आएगा काटिएगा नहीं, ये हमारा ही फोन है, ठीक है, हमारी आवाज आपको सुनाई देगी। सुनिए क्या बोल रहे हो। नेशन भारत पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।